स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। टुडेस टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। मतलब आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और उसके यूनिट्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं क्या होता है। कि कांस्टेंट से देखिए पता चल रहा है कि ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब इसकी कोई वैल्यू है। और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी कोई वैल्यू होगी। मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर आता है तो उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूले से। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ ए रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मतलब के अगर मैं इससे शो करूँ फार्मूले से के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। प्रोडक्ट्स हमने ऊपर रखनी है न्यूमिनेटर में। ठीक है, और उसके जो कोएफिशिएंट होंगे मतलब उसके जो मोल्स होंगे कोएफिशिएंट्स होंगे उसकी हमने पावर बना लेनी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने रिएक्टेंट्स रखने हैं और रिएक्टेंट्स के जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे उसकी हम लोग पावर बना लेंगे। ठीक है, इसे हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो इसकी ठीक समझ आएगी। पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ये हैं कि प्रोडक्ट्स जो है उसे हमने न्यूमिनेटर में रखना है और रिएक्टेंट्स को हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। जैसे ये लिखे फार्मूले में हमने कहा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी जो है वो इक्वल है ये प्रोडक्ट किसकी, प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, और जो भी इनके कोएफिशिएंट्स हैं उसे हमने इसकी पावर बना लेना है। अच्छा, ये जो हम फार्मूला है इसके ज़रिए से हम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में ऊपर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर जब हमारा रिएक्शन हो रहा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आएगा तो हम देख लेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की कितनी वैल्यूज़ हैं और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट्स की कितनी वैल्यूज़ है वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगी उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फिर इसकी डिपेंडेंस भी है। ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर पे इसने डिपेंड करना होता है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से केसी जो है इसमें फ़र्क पड़ेगा इसकी वैल्यूज पे। दूसरी चीज़ जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी भी हो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की इससे केसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केसी हैज़ नो यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। कैसे नहीं होते, हम ये इस एग्जांपल से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन में देखें, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों की रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मोल्स बने। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो शो कर रहा है। अब अगर हम इसका रेट कॉन्स्टेंट निकालें, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ये निकालें, तो ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले में क्या होता था, प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते थे और रिएक्टेंट्स को नीचे रखते थे। अब देखिए, प्रोडक्ट्स हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हमने लिख लिया। ब्रैकेट्स जो है इसकी कंसंट्रेशन को शो कर रही है और जो इसका कोएफिशिएंट था टू उसकी, ये देखिए इसकी क्या बन गई है, पावर। यही हमने इस आज की डेफिनेशन में भी पढ़ा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम लोगों ने रखनी है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स है हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैस, ये नीचे रख लिए। इनके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था इसलिए इनकी कोई पावर नहीं बनी। अब इनके अगर हम यूनिट्स पुट करें, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। वो अब हम इसकी जगह पुट कर देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह हमने मोल पर डीएम क्यूब पुट कर दिया और ये ब्रैकेट के पास स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए हाइड्रोजन की जगह हमने इसकी पुट कर दी और आयोडीन की जगह भी इसकी कंसंट्रेशन के यूनिट्स पुट कर दिए। अब ये देखिए कट डाउन हो जाएगा, ऊपर दो है ना, ये स्केयर है,
नीचे भी दो है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट डाउन हो जाएंगे। तो केसिकल इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, केल्विनियम के ऊपर, या उस वक्त जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के जो नंबर है या दोनों की क्वांटिटी जब इक्वल हो, तो उस वक्त जो केसी होगा, केल्विनियम कांस्टेंट होगा, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बनेंगे, ठीक है। इसका अगर रेट कांस्टेंट निकालें या केल्विनियम कांस्टेंट निकालें, प्रोडक्ट्स ऊपर है, ठीक है, NH3 2 कोफिशिएंट था, वो इसकी क्या बन गई, पावर, प्रोडक्ट की पावर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, नाइट्रोजन एज इट आ गया और हाइड्रोजन एज इट, और ये 3 जो इसके कोफिशिएंट थे वो इसकी क्या बन गई है, पावर, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रोजन की पावर है, ठीक है, नाइट्रोजन की नहीं है, ये जो कोफिशिएंट था हाइड्रोजन का था, इसलिए ये सिर्फ हाइड्रोजन की पावर है। अब अगर हम इसके इनकी जगह जो है हम इनके यूनिट्स को पुट करते हैं, ये अमोनिया के यूनिट्स को पुट कर दिया और ये इसकी स्केयर वैसे ही आ गए, नीचे नाइट्रोजन की जगह उसके यूनिट्स को पुट कर दिया और हाइड्रोजन की जगह उसके यूनिट्स, और ये हमारे पास पावर जो है 3 वैसे ही आ गई। अब देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, 3 ये और 1 ये 4, ठीक है। अब ये कट डाउन करेंगे, ऊपर वाले 2 नीचे वाले 4 से कट डाउन हो गए, 1 by mole per dm³ स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। जब भी ये कोई डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को हम न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसके साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। देखिए मोल जो है वो नीचे प्लस में था, ठीक है, प्लस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये मोल का भी है और पर डीएम क्यूब का भी है। अब जब ये ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो ये प्लस 2 जो है वो माइनस 2 हो जाएगा, और ये जो 6 है ना, 3 to the 6 माइनस 6 था, और ये ऊपर न्यूमिनेटर में जाके प्लस 6 में आ जाएगा। तो आप देखिए ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसके यूनिट्स जो है, केसी यूनिट्स जो है हमारे पास ये है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास यूनिट्स आए, क्यों आए यूनिट्स, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है दोनों की क्वांटिटीज जो थी वो सेम नहीं थी, इसलिए इसके यूनिट्स है। लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी सेम होती तो इसके यूनिट्स जो थे वो नहीं होने थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज़ में ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है।